आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह जान सकते हैं आपके राशन कार्ड में किन किन का आधार कार्ड जुड़ा है, ऐड है, और किन का आधार कार्ड नहीं जुड़ा है। मतलब आपके राशन कार्ड में किन का आधार कार्ड लिंक है, किन का आधार कार्ड लिंक नहीं है, वो आप जान सकते हैं। ये आधार लिंक नहीं रहने के कारण से भी वो जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से 1000 रुपये प्रत्येक राशन कार्ड धारी को दिया जा रहा था, वो नहीं मिला। तो आप जान पाएंगे आज के इस वीडियो की मदद से कि किस तरह आप जान सकते हैं आपके राशन कार्ड में किसका आधार कार्ड लिंक है, किसका नहीं लिंक है, और किस मंथ कौन अंगूठा लगा के राशन उठाया था। आज के इस वीडियो में आप पूरी चीज विस्तार से जान सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और बिना लिंक से भी आप किस तरह कर सकते हैं वो भी आपको गूगल के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना। गूगल में आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है ई पोस, ठीक है, ई पोस बिहार दे देंगे तो अच्छी रहेगी। ई पोस बिहार इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पहला जो ऑप्शन मिल रहा है ईपीडीएस बिहार epos.bihar.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। लिंक आपको डायरेक्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहां पर आने के बाद आपको यहां मिलेगा आरसी डिटेल पे क्लिक करेंगे। आरसी डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने मिलेगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, जैसे कि लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ मंथ सेलेक्ट करें, किस मंथ को आपको रिपोर्ट देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मई चल रहा है तो मैं अप्रैल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 ईयर तक का आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरसी नंबर मतलब राशन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर हमको इंटर करना होगा, तो इंटर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर इंटर कर देते हैं और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। उसके बाद राशन कार्ड का जो पूरा फैमिली, पूरी फैमिली का नाम, पूरा डिटेल आ जाएगा और उनका एज आ जाएगा। स्टेटस यहाँ पे एक्टिवेट है, UIDAI स्टेटस यानी कि सेडेड मतलब इसका सेट है, और नॉट सेडेड मतलब इसका लिंक नहीं है। इसका जो इसका आधार कार्ड लिंक है, इसका भी लिंक है, और इसका लिंक नहीं है, नॉट सेडेड, और जिसका लिंक है उसमें सेडेड लिखा गया है। उसके बाद बात करें यहाँ कितना अनाज मिलता है, तो वो दिया गया, गेहूँ 8 किलो और चावल 12 किलो, टोटल 20 किलो यहाँ पे इनको मिलता है। उसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन किसके द्वारा किया गया मतलब कौन दिया है, तो डीलर का नाम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मंथ आपको किस मंथ में कब मिला है, कितना मिला वो आपको, किसके द्वारा मिला बायोमेट्रिक के द्वारा आपको वेरिफिकेशन करके फिंगर लगा के दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कब कितना मिला और किसके आधार कार्ड में कौन, किनके राशन कार्ड में किसका आधार कार्ड लिंक है, किसका लिंक नहीं है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह पता कर सकते हैं किसके राशन कार्ड में कौन सा, किनका आधार कार्ड लिंक है, किनका आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो अगर फैमिली में किसी का भी आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा तो उसका 1000 रुपये जो गवर्नमेंट दे रही है बिहार सरकार, तो वो नहीं मिलेगा। अगर फैमिली में एक मेंबर का भी आधार कार्ड लिंक है तो उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अगर सभी के अकाउंट में लिंक है, सभी का आधार कार्ड लिंक है, तो किसी एक के अकाउंट में यहाँ पे पेमेंट भेज दिया जाता है। और यहाँ कौन सा कार्ड इनके पास है, PHH मतलब कि उजला वाला कार्ड है इनके पास, ठीक है, पूरा चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे छोटा वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी तरह क्वेश्चन या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का टॉपिक कमेंट जरूर कीजिएगा।